मॉर्निंग, आई एम अशोक, टुडे स्टार्ट क्लास। तो बच्चों, इससे पिछले वाले क्लास में हमने क्या किया था, साइटोकाइनेसिस करा दिया था। जब हमारा साइटोकाइनेसिस होता है लास्ट फेज में, तो उसमें जब साइटोकाइनेसिस होता था उसमें चार गैमेट बनते थे। तब इसके बाद हम अगला आज किया कराते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस का काम क्या है, माइटोसिस कैसे होता है, उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइटोसिस। बच्चों, माइटोसिस क्या है? माइटोसिस होता है कोई चीज, मतलब जो दो एक इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कोई चीज दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए उसे बोलते हैं माइटोसिस। जैसे हमने क्या किया, ये देखिए हमारा है पैरेंट सेल है, हमने पैरेंट सेल रखा और जो पैरेंट सेल होता है उसको हम डिवाइड किए, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे हमारा पैरेंट सेल था, फिर जब हमने डिवाइड किया पैरेंट सेल को, जो सेल हमारे पैरेंट सेल का था, जो क्रोमोसोम नंबर, वही सब क्रोमोसोम नंबर हमारे प्रोजेनी में, उसके प्रोजेनी में आ गए, तो क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसी को बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन, मतलब कोई चेंज ना हो, उसे हम बोलते हैं क्या, माइटोसिस डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। तो लिखो माइटोसिस इज द इक्वल, ये होता है इक्वेशनल डिवीजन ऑफ द सेल। क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन ऑफ द सेल। माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन ऑफ, इक्वेशनल डिवीजन ऑफ द सेल। जो हमारा माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है। जैसे जिस प्रकार हमने क्या किया, ए देखो ए हमारा एक सेल है, जब हमने सेल को डिवाइड किया, अगला हमारा ये देखो ये हमारा एक सेल है, हमने सेल लिया, सेल को जब हमने डिवाइड किया, तो हमने जब अगला सेल डिवाइड किया, एक सेल ए बनेगा, एक सेल ए, ये हमारा मेन सेल था, सॉरी, जब हमने एक सेल था हमने दो सेल में डिवाइड कर दिया, तो देखो जितना जो सेल हमारा ए है वही सेल दोनों ए सेल बनता है। मतलब जैसे हमारा हो गया ए, हमारा टू एनर एक पेरेंट लिए, जैसे हमारा 2n है, 2n सेल को जब हमने लिया, तो 2n सेल को हमने डिवाइड किया, जब हमने इसमें माइटोसिस कराया, तो हमने जब माइटोसिस कराया, तो माइटोसिस कराने पर जो अगला जो दो प्रोजनी बने, वो दोनों प्रोजनी 2n ही बने। क्या बने, 2n हो, तो मतलब हमारे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपना ले लेते हैं, हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, जब हमने माइटोसिस किया तो हमारा क्या बना, 24, मतलब 46 ही क्रोमोसोम यहाँ बना और 46 क्रोमोसोम यहाँ बना, मतलब कोई चेंज नहीं। जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम था वही क्रोमोसोम प्रोजेनी का गया, फिर इसमें हम माइटोसिस करा दें, फिर वही हमारा आएगा 2n आएगा 46, 2n आएगा 46, इसमें कराएंगे वही आएगा 2n आएगा 2n आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा। कितना कितनी बार माइटोसिस कराते जाइए कोई चेंज नहीं, इसीलिए पढ़ते हैं। तो माइटोसिस इज द इक्वेशनल डिवीजन, ये हो गया हमारा माइटोसिस। अब अगला हम देखते हैं बच्चों, हमारा जो माइटोसिस होता है यूजुअली डिप्लॉइड सेल में होता है। कितना होता है मैक्सिमम, मतलब टाइम वो डिप्लॉइड होता है। माइटोसिस इज यूजुअली डिप्लॉइड सेल में होता है। कहाँ बच्चों होता है, डिप्लॉइड सेल में। मैक्सिमम हमारा जो माइटोसिस होता है डिप्लॉइड सेल होता है सम एक्सेप्ट, मतलब सम लोअर प्लांट एंड सोशल इंसेक्ट। जो एक दो एग्जाम्पल है, सम लोअर प्लांट एंड जो सोशल इंसेक्ट होता है, इनमें माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में होता है। हैप्लॉइड सेल माइटोसिस बाय हैप्लॉइड सेल, माइटोसिस बाय हैप्लॉइड सेल। इसके हैप्लॉइड ये एक सोशल लोअर प्लांट, सम लोअर प्लांट होते हैं और कुछ सोशल इंसेक्ट होते हैं, जैसे हमारा हनी भी होता है, मेल हनी भी, उसमें जो माइटोसिस होता है हैप्लॉइड सेल में होता है, इसका रीजन है। और फिर अगला आता है जो हमारा माइटोसिस होता है,
हम अगला देखते हैं जो हमारा माइटोसिस होता है, इसमें क्या करते हैं, जैसे मैक्सिमम जैसे हम जो हमारा पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स का जो क्रोमोसोम होता है, अगर हम माइटोसिस करते हैं तो जो हमारा आइडेंटिकल होता है प्रोजेनी क्रोमोसोम, जो पेरेंट्स का क्रोमोसोम होगा वही प्रोजेनी क्रोमोसोम का होगा अगर हम माइटोसिस कराते हैं तो। और उसके बाद हम ये देखते हैं जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये क्या कहते हैं, हमारे कुछ सेल को रिपेयर करते हैं, जो माइटोसिस होता है वो सेल को रिपेयर करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रखते हैं कि हमारा जो सेल होता है माइटोसिस ये रिपेयर करता है, रिपेयर ऑफ द सेल, रिपेयर ऑफ द सेल, जो हमारा माइटोसिस होता है सेल को रिपेयर करता है। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल है, हमारा एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस हमारा मतलब ये रिपेयर करता है, हटता जाता है, नया नया एपिडर्मिस बनता रहता है, किस कारण, माइटोसिस के कारण। अगर मियोसिस होता तो हमारा एक सेल बनता, फिर मियोसिस हो जाता तो हाफ सेल हो जाता, क्योंकि हमारा जो सेल टूटेगा फिर वही सेल बनेगा, इसलिए माइटोसिस रिपेयर का काम करता है। फिर अगला हम देखते हैं जो जैसे हमारा कुछ हमारा एपिडर्मिस हो गया, लिनिंग ऑफ गट हो गया, ब्लड सेल हो गया, इस सब में माइटोसिस डिवीजन होता है। और जैसे हमारा कुछ प्लांट होते हैं, प्लांट में जो मेरिस्टमेटिक होता है, कुल एपिकल बर्ड होता है, जो लेटरल बर्ड होता है, उसमें जो माइटोसिस द्वारा ग्रोथ होता रहता है, मतलब कंटिन्यूअस लाइफ में ग्रोथ करता रहता है माइटोसिस के कारण। ये हुआ हमारा माइटोसिस का कुछ एग्जाम्पल। और उसके बाद अब इसके बाद हमारा आता है मियोसिस, तो इसमें हम माइटोसिस से इतना होता है, इतना हमें जानना जरूरी है कि माइटोसिस जो होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब जो जो सेल रहेगा डिवाइड माइटोसिस कराने के बाद वही सेल फिर बनेगा, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता, इसलिए माइटोसिस होता है, इसलिए हम इक्वेशनल में, तो ये मैक्सिमम डिप्लॉयड सेल में होता है। और उसके बाद जो भी डिप्लॉयड सेल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे हमारा कुछ लोअर प्लांट होता है और कुछ सोशल इंसेक्ट होते हैं जिसमें हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है। ये होते हैं हमारे